हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास से आज फिर से मैं आ गया है नेक्स्ट वीडियो लेकर के जो कि टेंथ क्लास का बिहार बोर्ड के पर्पज से बनाई जा रही है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है सोशल साइंस सब्जेक्ट का ठीक है तो हमने पार्ट फोर तक करवा दिया था यह पार्ट फाइव है और यह पार्ट फाइव क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि यह साठ नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है ठीक है पेज को मुड़ने की वजह से यह नंबरिंग नहीं दिखाई दे रही है तो साठ नंबर से है क्योंकि एकसठ नंबर से यहाँ से स्टार्टिंग है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ साठवाँ नंबर क्वेश्चन होगा पुराने जलोड को पुराने जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है तो पुराने जलोड मिट्टी को कहा जाता है मित्र बांगर ठीक है नवीन जलोट को कहा जाता है खादर लेकिन पुराने जलोट को क्या कहा जाता है बांगर कहा जाता है तो याद रखिएगा इन प्रश्नों को ठीक है एक आप बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी आई है कि नवीन जललोट को क्या कहा जाता है तो नवीन जलोट को क्या कहा जाता है खादर कहा जाता है और पुराने जलोट को क्या कहा जाता है बांगर कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है तो कपास की खेती के लिए तो आप जानते हैं मित्र कि काली मृदा मानी जाएगी और जिसको हम रेगुल मृदा के नाम से जाना जाता है और इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अगर मैं अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है पर्वतीय ढालों पर किस प्रकार की कृषि होती है तो पर्वतीय ढालों पर जो होती है मित्र व सोपानी कृषि होती है जिसको हम सिढ़मा कृषि के नाम से भी जाने जाते हैं ठीक है ना चूँकि अगर पर्वतीय ढालो है मित्र अगर इसी तरह से अगर खेती कर दिया जाए तो अगर हम सिंचाई करने अगर बैठते हैं तो सारा पानी नीचे टकर जाएगी इसी की वजह से सीढ़ी टाइप का बनाया जाता है खेती खेत को बनाया जाता है उस पथरीली एरिया को बनाया जाता है जिसको हम सोपानी कहते हैं ठीक है न तो इसे हम सोपानी कृषि कहते हैं पर्वतीय ढालों में जो खेती की जाती है मृदा के पोषक तत्व तो किस प्रकार समाप्त होते हैं मित्र तो मृदा का जो पोषक तत्व है क्या वह मृदा अपर्दन से समाप्त होते हैं या मृदा संतुलन से या मृदा जमाव से तो मृदा अपर्दन से ही समाप्त होंगे क्योंकि मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी की सतह को टूटना तो मिट्टी की सतह अगर टूटेगी तो मृदा में जो पोषक तत्व होंगे जो मिनरल्स खनिज लवण जो होंगे ठीक है ना वो सब क्या हो जाएंगे वो समाप्त हो जाएंगे ठीक है क्योंकि मृदा में ही तो ह्यूमस पाई जाती है और ह्यूमस कहने का मतलब हुआ है कि उसमें जो उसमें जो मिनरल्स होते हैं खनिज लवण जो होते हैं वो सब उसी में पाए जाती है और मृदा अपर्दन जब होती है तो मृदी तो मिट्टी तो कट जाती है और कटती है तो उसमें जो सारे जो तत्व पाए जाती है पोषक तत्व वो समाप्त हो जाती है इसलिए मृदा अपर्दन से ही मृदा का पोषक तत्व समाप्त होती है ठीक है ना अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ पोटोस और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है तो आयरलैंड को जाना जाता है ऑप्शन में है उत्तरी आयरलैंड लिखा का ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक भेद के कारण किस देश का विखंडन हो गया था तो सलाबिया का हो गया था एक बार और हमने क्वेश्चन करवा दिया है सामाजिक भेद के कारण किस देश को विखंडन का सामना करना पड़ा सलाबिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी मित्र उन्नीस सौ में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना ब्रिटेन में सर्वाधिक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता किस वर्ष मिली थी तो ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली थी आपका उन्नीस सौ में मिली थी ठीक है उन्नीस सौ में वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया था जो कि सभी लोगों के लिए ठीक है ना जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कृतियाँ आई है तो जाति प्रथा की वजह से अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत होती है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर सत्रह के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है ठीक है ना समाज का विभाजन और ऊंच नीच की भावना तो ये सब तो पनपती है जाति प्रथा से तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए ठीक है अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व कौन हो सकती है तो तीन तरह की होती है एक स्वयं की पहचान की चेतना दूसरा राजनीतिक दलों के द्वारा समुदायों की मांगों को उपस्थित करने का तरीका और तीसरा समुदायों की मांगों के प्रति सरकार का सोच इनमें सभी तो इसमें सभी होगा ठीक है निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक भेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है क्या वह हो, रंग होगा या लिंग होगा या धन होगा या इनमें सभी तो रंग की वजह से भी व्यक्तिगत भेद उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से सामाजिक भेद में उत्पन्न हो जाता है तो लिंग भी हो सकता है है हाँ ना जेंडर जिसको बोलते हैं और धन भी हो सकता है इट मीन्स वेल्थ इनमें सभी हो जाएगा मतलब घऑ ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के शासन व्यवस्था में हर स्तर पर किस समुदाय को अधिक भागदारी प्राप्त है मित्र तो मुसलमान को या तमिल को या भारतीय तमिल को या सिहली को तो यह है मित्र हम बात करें तो सिंहली उसमें सबसे ज़्यादा रहता है ठीक है तमिल वहाँ अल्पसंख्यक है श्रीलंका की बात करें तो शक्ति पृथकरण से अभिप्राय क्या है मित्र तो शक्ति पृथ्करण से अभिप्राय है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का विभाजन नहीं देखिए न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का विभाजन नहीं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन ये भी गलत है केंद्र और राज्य के सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन यही डी ऑप्शन राइट हो जाएगा शक्ति के प्रधिकरण से मतलब यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन ठीक है तो अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन पहुंच सके और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि हम किस किस तरह की वीडियो बनाते हैं और उस तरह से आप क्लास की तरह बैठ कर पढ़िए बहुत ही फ़ायदा मिलेगी और सारा चीज़ जो बतलाया गया है आपको विशेष रूप से बतलाई गई है और उसे आप सीख सकते हैं ठीक है ना और शेयर जरूर करें जितने भी ग्रुप हैं उसमें डाल दीजिए और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए ठीक है जितना ही धीरे धीरे बड़ा होगा उतना ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे क्वालिटी भी देंगे और लाइव भी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो फिर हम पढ़ाने लगेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो